नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना मोक्ष चैनल, जहां पर मैं प्रिया पांडे आप सभी का दिल से स्वागत करती हूं। और आज ये खास वीडियो है अगरबत्ती को लेकर। दोस्तों, हिंदू धर्म में हम सभी लोग देवी देवताओं के आगे अपनी पूजा करने के सामग्री में अगरबत्ती का इस्तेमाल जरूर करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगरबत्ती जलाने के भी कुछ नियम होते हैं और कुछ ऐसे दिन होते हैं जिस दिन अगरबत्ती को हमें कभी भी नहीं जलाना चाहिए। अगर उस दिन हम अगरबत्ती जलाते हैं तो समझ लीजिए हमारे कंगाल होने के दिन उसी दिन से शुरू हो जाते हैं। तो चलिए आज हम अगरबत्ती को लेकर ढेर सारी जानकारी आपके साथ साझा करते हैं। दोस्तों, सुख समृद्धि और धन प्राप्ति के लिए, मन की शांति के लिए जरूरी है अगरबत्ती की सुगंध। जी हाँ, अगरबत्ती की सुगंध से दिमाग में शांति बनी रहती है और व्यक्ति आगे बढ़ने की सोचता है। आप जानते हैं कि जब भी आप अगरबत्ती जलाती है या आप देखते हैं कि जब आप अगरबत्ती खरीदते हैं उस वक्त भी आप देखते हैं कि किसकी खुशबू आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रही है, बहुत सी सुगंध जो है उसकी बहुत ज़्यादा अच्छी आ रही है। आप उसी अगरबत्ती को अपने मंदिर में स्थान देते हैं, उसी से अपने देवी देवताओं की पूजा करते हैं। लेकिन अब बात की जाए कि ऐसे कौन से दिन हैं जिस दिन कि हमें अगरबत्ती नहीं जलाना चाहिए। तो दोस्तों, सप्ताह के दो दिन ऐसे हैं जिस दिन हमें अगरबत्ती भूल से भी नहीं जलाने चाहिए। अब वो दिन कौन से हैं, चलिए उस पर भी बात करते हैं। तो दोस्तों, हफ्ते में दो दिन यानी कि रविवार के दिन और मंगलवार के दिन अगरबत्ती को नहीं जलाना चाहिए। अगर नहीं जलाते हैं तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। इन दोनों दिन अगरबत्ती को जलाना सबसे ज़्यादा अशुभ माना गया है शास्त्रों में। इसीलिए आप भूल से भी रविवार और मंगलवार के दिन अगरबत्ती ना जलाएं। अब बात की जाए कि कौन से टाइप की अगरबत्ती जलाएंगे। तो दोस्तों, बांस का जो अगरबत्ती होता है, शास्त्रों में क्या कहता है वो बांस का अगरबत्ती, तो शास्त्रों के मुताबिक इन दोनों दिन बांस को जलाना शुभ नहीं माना गया है, क्योंकि अगरबत्ती जो है वो बांस से बनी होती है। बता दें कि अगरबत्ती बांस से बनी होती है और इन दो दिन अगरबत्ती जलाने से घर में धन संबंधी व मानसिक नुकसान होने की संभावना बढ़ती है। इसीलिए आप सभी अब से रविवार और मंगलवार ये दो दिन बांस से बनी अगरबत्ती को बिल्कुल ना जलाएं, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा अशुभ माना जाता है। दोस्तों, आपको बता दें कि कई सारे या कई बड़े धार्मिक कार्यों या रोज़ाना की पूजा में धूप बत्ती का इस्तेमाल किया जाए तो बहुत ज़्यादा शुभ होता है। कहते हैं कि अगरबत्ती का इस्तेमाल बड़े धार्मिक कार्यों में निषेध है। जी हाँ, आपने अक्सर देखा होगा कि कई सारे ऐसी जगह हैं, कई सारे ऐसे धार्मिक जगह हैं जहाँ पर अगरबत्ती की बजाय धूप का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये हर चीज़ में शुभ होता है, अगरबत्ती से ज़्यादा शुभ होता है धूप। तो आप कोशिश करें कि धूप का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। दोस्तों, आपको बता दें कि इससे आने वाले वंश की हानि होती है, इसलिए हवन या पूजन विधि में कभी भी अगरबत्ती का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसकी जगह आपको धूप पत्ती का इस्तेमाल किया जाना चाहिए, इससे परिवार में सुख शांति भी बनी रहती है। तो अब आप समझ गई होंगी कि आखिरकार हम क्यों कह रहे थे कि धूप पत्ती का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें, अगरबत्ती का कम करें, क्योंकि अगरबत्ती का इस्तेमाल करने से आपके वंश को बेहद हानि होती है, धन संपत्ति से जुड़ी हानि होती है, आपकी मानसिक जो शक्ति है वो कमज़ोर होती है। इसलिए आप लोग धूप बत्ती का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, ये बहुत ज़्यादा शुभ होता है। तो दोस्तों, यदि आप हमारी आज के इस खास वीडियो में अगरबत्ती से जुड़ी दी गई ये जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ अगर आप भी अगरबत्ती से जुड़ी कुछ ऐसी चीज़ें जानते हैं जो हमसे रह गई है, वो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमारे साथ साथ हमारे दर्शकों को भी जानकारी ज़रूर दीजिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, फिर मिलूंगी अगली वीडियो में।